वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो है वो पढ़ेंगे एंजाइलाइटिक एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। ठीक हो गया जी। अब एंजाइलाइटिक क्या हैं? एंजाइलाइटिक और एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ठीक है। मतलब एंजाइलाइटिक वो ड्रग्स हैं, ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट और प्रीवेंट दी एंजाइटी, ठीक हो गया जी। और हिप्नोटिक का मकसद है, हिप्नोटिक ड्रग्स आर स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स और ड्रग्स विच काज हिप्नोसिस, हिप्नोसिस मतलब स्लीप, ठीक हो गया जी। अब ये हो गया। अब व्हाट इज एंजाइटी? पहले एंजाइटी को हम समझेंगे, एंजाइटी क्या है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद इसकी ड्रग्स हम पढ़ते हैं कि ड्रग्स कौन सी यूज़ होती हैं, ठीक है। अब एंजाइटी क्या है? अगर हम एंजाइटी को डिफाइन करें तो है क्या ये? इट इज़ दी जनरलाइज्ड फीलिंग्स ऑफ एप्रीहेंशन। अब एप्रीहेंशन का क्या मकसद है कि समथिंग बेड और अनप्लेजेंट विल हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है। विथ हाइपर एक्टिव एनएस एक्टिवेशन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, ठीक है। अब एंजाइटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि दीज आर द जनरलाइज फीलिंग्स ऑफ एप्रीहेंशन विथ हाइपर एक्टिविटी एनएस एक्टिवेशन। मतलब क्या होगा उसमें कि पेशेंट डरेगा, मतलब उसको अनयूजुअल फियर होगा एक कि कुछ फ्यूचर में होगा, ख़राब होगा, कुछ फ्यूचर में ख़राब होने वाला है। मतलब लेट सपोज किसी के एग्जाम आने वाले हैं तो एग्जाम से सब तो डरते हैं, बट उसको मतलब अनयूजुअल का उसको डर होगा, यार मैं एग्जाम में बैठूंगा, मैं फेल हो जाऊं तो, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो ये होगा वो होगा। मतलब उसको ज़्यादा वो एक्सेस हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एंजाइटी। और उसके अलावा शर्त ये है कि सिर्फ उसको ये ना हो और उसको ये सिम्टम हो, हाइपर एक्टिव एनएस एक्टिवेशन, मतलब जो मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन हो गई, उसके अलावा जो उसके साइंस एंड सिम्टम्स हम देखेंगे एंजाइटी के क्या होते हैं साइंस एंड, वो आ जाएँ तो उसको हम एंजाइटी कहते हैं। और हम इसको और तरीके से डिफाइन करें तो कि इट इज़ अननोन, ठीक है, अननोन इंटरनल एंड वेक थ्रेट, ठीक है। मतलब क्या होगा कि इसमें अननोन होगा, इसका रीज़न कोई पता नहीं होगा। जैसे अब एग्जाम में फियर तो होगा, बट क्या होगा कि उसमें एक्सेसिव फियर हो जाए, अननोन हो जाए, मतलब उसका पता ना चले कि मतलब क्या होगा यार। और ये क्या है, एक इंटरनल है, ठीक है, मतलब इंटरनल होगा और अनक्लियर थ्रेट होगा, वेक मतलब अनक्लियर। अगर हम इधर फियर की बात करें तो फियर क्या है, फियर का मतलब है एक्सटर्नल नॉन एंड डेफिनेट थ्रेट। मतलब लेट सपोज अगर शेर आ जाए कमरे में बैठा हूँ और टाइगर आ जाए तो मुझे क्या होगा, देखें वो एक्सटर्नल एक सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है थ्रेट का। और उसके अलावा क्या है कि इट इज़ नोन है कि ये शेर है, मुझे पता है मुझे कि काटेगा, ये तो 100% होगा कि शेर आया तो वो काटेगा ही। तो मतलब क्या है, एक्सटर्नल भी हो गया, नोन भी हो गया और डेफिनेट थ्रेट है, क्या मतलब काटेगा ज़रूर, तो इसलिए मुझे फियर होगा। बट एंजाइटी में क्या होगा कि वो तो इंटरनल होगा, मतलब पेशेंट का खुद अंदर से उभरा हुआ डर होगा, थ्रेट होगा, और उसके अलावा वो अननोन होगा। मतलब देखें अब एग्जाम तो है, एग्जाम में अब पता नहीं वो पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। बट उसको क्या होगा कि मैं फेल हो जाऊँ तो क्या होगा वो होगा, मतलब एक अननोन फियर है, मतलब उसका क्लियर कट नहीं है, वेग है, मतलब क्लियर कट थ्रेट है, ठीक है, क्लियर कट नहीं है। तो ये हो गई एंजाइटी। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? साइन एंड सिम्टम्स, अब देखें सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब होगी बॉडी में तो क्या होते हैं, स्वीटिंग होती है, ट्रेमर्स होते हैं, रेस्टलेसनेस होती है, टेकीकार्डिया एंड द मिट्रियासिस, मतलब
डायलेशन ऑफ पीपल, ये हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी पैरासिम्पेथेटिक की इंक्रीज्ड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और डायरिया, समटाइम किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है बट मोस्टली डायरिया कॉमन है, एंड द हाइपरफ्लेक्सिया। ये क्या है, ये इसके साइंस साइंस हम टर्म्स हैं एनजाइटी के, ठीक है। मतलब अगर किसी को एनजाइटी होगी तो ये ज़रूर होंगे इसमें, ठीक हो गया जी। अब ड्रग्स क्या हैं, अब इसके लिए हम ड्रग्स कौन सी यूज़ करते हैं वो हमें देखनी है। अब देखें इसमें है क्या, असल में एनजाइटी में, एनजाइटी में है कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन है, ठीक है। यहाँ अगर लेट सपोज नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया है, उसमें भी क्या है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन है, तो हम वो ड्रग्स देंगे, दोज ड्रग्स विच रिड्यूस द हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, ठीक है ना। देखें कॉन्सेप्ट से ही समझें आप, हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। अब ये तो हो गया, अब वो ड्रग्स देंगे जो हाइपर एक्टिविटी कम करेंगी ना ब्रेन में। अब अगर नॉर्मल तरीके से हम देखें तो CNS में जो हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए, मतलब क्या है, हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ब्रेन में नॉर्मल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, नॉर्मल इनहिबिटर ऑफ CNS न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसको समझ लें पहले कि ये कैसे काज करवाता है डिप्रेशन ब्रेन की। अब आपको अगर पता हो कि जो इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर हैं ब्रेन में, जो मोस्ट कॉमन है इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या है, गाबा है, गाबा, ठीक है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। अब गाबा जो होता है वो क्या है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या करवाता है डिप्रेशन। अब गाबा के लिए मोस्टली जो होते हैं वो दो रिसेप्टर्स होते हैं, थोड़े उसके रिसेप्टर्स पर चलते हैं तो वो कैसे इनहिबिशन काज करवाता है तो हम वो समझ में आ जाएंगे। एक है गाबा ए रिसेप्टर्स, गाबा ए रिसेप्टर्स, ठीक है, और ये कपल्ड विथ होते हैं, कपल्ड विथ क्लोराइड चैनल, मतलब ये क्लोराइड चैनल के साथ कपल हैं तो क्या होंगे, ये इनकी कैटेगरी क्या होगी, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल और आयनोट्रोपिक, आयनोट्रोपिक, ठीक है, ये आयनोट्रोपिक कैटेगरीज में। और दूसरे होते हैं गाबा बी रिसेप्टर्स, गाबा बी रिसेप्टर्स, ये क्या होते हैं, ये कपल्ड विथ जी प्रोटीन होते हैं, मतलब क्या, ये मेटाबो, ठीक हो गया जी। तो गाबा बी रिसेप्टर क्या है, वो कपल विद जी प्रोटीन और मेटाबो ट्रॉपिक रिसेप्टर्स होते हैं। बट अब इधर क्या है, हमारे कौन से रिसेप्टर काम के हैं, वो हैं गाबा ए रिसेप्टर्स, जो हम इनकी ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेसिकली गाबा ए रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं, ये कपल विद क्लोराइड चैनल है, तो लेट सपोज ये एक क्लोराइड चैनल है, ठीक है, और इधर ये क्या है, गाबा रिसेप्टर्स हैं, और इधर ये गाबा अटैच होता है, ठीक है। अब क्या होगा, आपको पता है कि क्लोराइड क्या होती हैं, बाहर ज़्यादा होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलरी, तो जब ये गाबा गाबा इन चैनल पे करेगा तो ये क्लोराइड चैनल ओपन होंगे, तो क्या होगी, क्लोराइड की इन्फ्लक्स होगी, ठीक है। अब आपको पता है क्लोराइड नेगेटिव आयन है, तो जब नेगेटिव आयन अंदर ज़्यादा होंगी तो क्या होगी, सेल में हाइपर पोलराइजेशन होगी, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ सेल होगी, जब हाइपर पोलराइजेशन होगी तो सेल क्या होगा, वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से ये इनहिबिशन करवाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि हम एनजाइटी को रिड्यूस करें, यहाँ जो हेप्नोटिक ड्रग्स हैं, मतलब हेप्नोटिक क्या कि जो स्लीप करें, मतलब सेडेशन करें ब्रेन में, सेडेटिव हेप्नोटिक कह दें आप, वो हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो गाबा की एक्टिविटी को ब्रेन में बढ़ाए, जैसे ब्रेन क्या हो जाए, इनहिबिट हो जाए। तो जब गाबा की एक्टिविटी को हम बढ़ाने के लिए क्या देंगे, हम वो ड्रग्स देंगे जो गाबा रिसेप्टर पे काम करें, ठीक है, मतलब दोज ड्रग्स आर गिवन विच एक्ट ऑन गाबा ए रिसेप्टर्स, ठीक है। उनमें क्या है, एग्जांपल है बारबिट्यूरेट्स,
एंड दी बेंजो डायजीपीन्स, ठीक है, बारबिट्यूरेट्स एंड द बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं जो GABA रिसेप्टर पे काम करते हैं। अब ये कैसे काम करती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये कौन इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप्स आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, ठीक है। एनजाइटी की डेफिनेशन और नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिशन ऑफ CNS और हम ड्रग्स कैसे देंगे ये आपको अगर समझ में आ गया इंशाल्लाह तो नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रग्स स्टार्ट करेंगे बारबिट्यूरेट्स एंड दी बेंजोडाइजेपिन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक भी दबा दें। शुक्रिया।